नमस्कार। स्ट्रीट मेल मुख्य खबरों के साथ मैं हंसराज वर्मा। 75 साल से ऊपर के पेड़ों का संरक्षण करने वालों को मिलेगी 2500 रुपए वार्षिक पेंशन, हरियाणा सरकार ने की घोषणा। हंसी की दयाल सिंह कॉलोनी में बड़ा हादसा, बंदर को बचाने के चक्कर में गाड़ी पलटकर पेड़ से टकराई, चरनोत निवासी दो युवकों की मौत। फर्जी पासपोर्ट मामले में अहरमा के राजमिस्त्री सतनाम सिंह को भेजा जेल, मुनिस का पुलिस ने मांगा रिमांड। बरवाला से सरहेड़ा रोड पर नकली पिस्तौल दिखाकर सरहेड़ा निवासी चेन्नई मिस्त्री सोनू से 52,000 रुपए की नकदी व मोबाइल लूटा, बाइक पर सवार थे 4 लुटेरे। हिसार जिले में कोरोना के 269 नए मामले, एक्टिव केस घटकर हुए 1186। जिला फतेहाबाद में आज 49 लोग हुए कोरोना संक्रमित, 37 लोगों ने दी कोरोना को मात। छात्रा को किडनैप कर दुष्कर्म करने के भट्टू क्षेत्र के दो दोषियों को 20-20 साल की कैद, लगाया 12,000 रुपए का जुर्माना। हिसार के बाद भिवानी में कैलेंडर विवाद, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का मामला, तो शाम की कांग्रेस विधायिका किरण चौधरी ने जताई आपत्ति, कांग्रेसियों ने सीएम का फूंका पुतला। छुई के सरपंच ने खंड शिक्षा अधिकारी को लिखा पत्र, कहा 3 फरवरी से पहली से 9वीं कक्षा तक की पढ़ाई भी शुरू करवाई जाए। ढाणी सांचला व ढाणी भोजराज के ग्रामीणों ने गांव के सरकारी स्कूल के सामने धरना देकर फूंका सरकार का पुतला, दी चेतावनी, जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे तब तक जारी रहेगा धरना। डीसी प्रदीप कुमार ने टोहाना में प्रस्तावित बस अड्डे निर्माण हेतु जगह का किया दौरा, संबंधित अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश।